प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक वर्ब पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक वर्ब, नेम ऑफ डेज। हम उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उर्दू में भी पढ़ेंगे और मराठी में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश में पहला जो दिन आता है वो पढ़ेंगे, मंडे। इसके स्पेलिंग करेंगे MONDAY, मंडे। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मंडे। उसी को उर्दू में कहते हैं टी। क्या कहते हैं उसको? टी। और मराठी में कहते हैं उसे सोमवार। क्या कहते हैं मराठी में? सोमवार। अब दूसरा दिन जो है वो देखिए ट्यूसडे। कौन सा दिन है दूसरा? ट्यूसडे, टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे। उसी को हम उर्दू में कहते हैं मंगल। उर्दू में क्या कहते हैं उसे? मंगल। और उसी को मराठी में कहते हैं मंगलवार। क्या कहते हैं? मंगलवार। तीसरा जो दिन है हमारा वो है वेडनेसडे। वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे। उसका उर्दू में कहते हैं बुध और मराठी में कहते हैं उसे बुधवार। क्या कहते हैं मराठी में? बुधवार। चौथा दिन है हमारा थर्सडे। थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, थर्सडे। इसे हम उर्दू में कहते हैं जुमेरा। क्या कहते हैं? जुमेरा। और मराठी में उसको कहते हैं गुरुवार। क्या कहते हैं? गुरुवार। पांचवा दिन है हमारे हफ्ते का फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे। उसको हम उर्दू में कहते हैं जुमा। क्या कहते हैं उसे उर्दू में? जुमा। और उसको मराठी में कहते हैं शुक्रवार। क्या कहते हैं? शुक्रवार। छठा दिन है हमारा हफ्ते का सैटरडे। सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे। उसको हम उर्दू में कहते हैं शनिचर। क्या कहते हैं उर्दू में? शनिचर। और मराठी में कहते हैं उसे शनिवार। शनिवार। हमारा आखिरी दिन है हफ्ते का संडे। कौन सा दिन है? संडे, एस यू एन डी ए वाई, एस यू एन डी ए वाई, संडे। उसको हम उर्दू में कहते हैं इतवार। उर्दू में क्या कहते हैं उसे? इतवार। और मराठी में कहते हैं उसे रविवार। क्या कहते हैं? रविवार। अब हम एक बार और पढ़ के बताते हैं आपको, आप इसको याद करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब उर्दू में पढ़ेंगे इसके नाम, पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुमा, शनिचर, इतवार। अब मराठी में क्या पढ़ते हैं इसे? देखो मराठी के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार,
इंग्लिश में, उर्दू में और मराठी में याद करो और इसको दो दो बार अपने नोटबुक में घर पर लिखो।